ब्रेकअप के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मस्त घूम रहा था और ट्रेन में उसे एक लड़की मिलती है। उसके बॉयफ्रेंड के पीछे बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस पड़ी हुई थी। अब सबको लगता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड ही हमारा मेन कैरेक्टर ही है। अब आगे क्या होगा ये हम आज के हमारी मूवी द टूरिस्ट एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। एक बहुत ही अच्छी मूवी है और इसका एंड भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि इंटरपोल की पुलिस एक लड़की पर नज़र रख रहे थे। इस लड़की का नाम है एलिस। एलिस हमेशा की तरह एक कैफे पर जाती है। यूजुअल सा उसने ऑर्डर दिया। ये सब लोग उस पर नज़र रखे हुए थे। इंटरपोल का ये ऑपरेशन जो चल रहा है इसका हेड है जॉन, और जॉन ही इन्हें सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उस कुरियर वाले को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिसका वो पीछा कर रहे हैं अलेक्जेंडर, ये वो कुरियर वाला ही है। एलिस लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि अब एक तुम ट्रेन पकड़ना, ट्रेन में मेरी हाइट का कोई आदमी होगा तो उसके पास जाकर बैठना, यानी कि पुलिस को लगेगा कि वो मैं ही हूँ। एक लोकेशन पर उसे पहुँचने के लिए कहता है। ये लेटर पढ़ने के बाद इसमें इंस्ट्रक्ट भी किया गया था कि इसे वो जला दे, तो एलिस ऐसा ही करती है। लेटर को जलाने के बाद वहाँ से जाने लग गए। जल्दी से उसका पीछा किया जाता है और उस लेटर के पास भी सब लोग पहुँच गए। लेटर का आग बुझाने की वो कोशिश करते हैं पर वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। फिर भी फॉरेंसिक की मदद से इससे कुछ ना कुछ तो निकाल पाएंगे। एलिस बड़ी चालाकी से अपना पीछा छुड़वा कर ट्रेन में बैठ जाती है। इसके बाद जॉन को उसके बॉस ने बुलवाया। उसे कहते हैं इस ऑपरेशन में मैं $8 million खर्च कर चुका हूँ और अब तक मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। एक्चुअल में एलिस की बॉयफ्रेंड जिसका नाम है अलेक्जेंडर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर का ही एलिस को लेटर आया था। अलेक्जेंडर के पास $700 million के एसेट्स है। कोई भी रिजल्ट मिल नहीं रहा था तो इस वजह से जॉन के बॉस ने उसे डांट कर ये केस उससे वापस ले ली। जॉन आसानी से अपने सर्च पे से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा। फॉरेंसिक्स की मदद से उस लेटर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस लेटर की मदद से एलिस किस ट्रेन में चढ़ी थी इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एलिस ने अलेक्जेंडर की हाइट का आदमी देखा, उसके पास जाकर वो बैठ गए। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक स्मोक कर रहा था पर वो एलिस से कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगार है, इससे कोई भी स्मोक नहीं निकलेगा। एलिस कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, अगर तुम्हें स्मोकिंग करना अच्छा लगता है तो तुम्हें करना चाहिए। एलिस को एक स्ट्रांग आदमी बहुत पसंद है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फ्रैंक एक डायरेक्ट टू नॉवेल पढ़ रहा था। उसने पूछा कि तुम हो कौन। एलिस कहती कि तुम डायरेक्ट टू नॉवेल पढ़ रहे हो तो कुछ गेस करो। फ्रैंक कहता है कि तुम एक डिप्लोमैट हो, तुम्हारे फादर को किडनैप कर लिया है, पैसे लाने के लिए तुम कहीं पर जा रही हो। ये स्टोरी एलिस को बहुत ही अच्छी लगी। एलिस कहती कि तुम्हें मुझे डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए। फ्रैंक की अलग अलग कोशिशों के बाद एलिस इसके लिए हाँ कहती है। वो अभी भी गेस नहीं कर पा रही थी कि फ्रैंक करता क्या है। फ्रैंक ने कहा कि मैं एक मैथ टीचर हूँ। एलिस कहती है कि मैं कभी भी गेस नहीं कर पाती। ट्रेन का नंबर पता चलने के बाद इंटरपोल के ऑफिसर्स अब ट्रेन में थे। वो फ्रैंक का फोटो निकाल लेते हैं। ये फोटो जॉन को मिला, इसकी सर्चिंग वो स्टार्ट कर देता है। फ्रैंक ने नोटिस किया कि कुछ लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। ये बात वो एलिस से कहता है या एलिस को पता था, पर उसे कहती है तुम ज़रा ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिस पूछती कि तुम इस तरीके से अकेले सफ़र क्यों कर रहे हो। फ्रैंक ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड थी पर मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद वो अकेला ही घूमता है। इंटरपोल को फ्रैंक के बारे में पता चला और वो सिर्फ एक मैथ टीचर है, इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड हो गए। जॉन ने भी लेटर को रीअरेंज किया और अलेक्जेंडर की इंस्ट्रक्शन उसने पढ़ लिए। उसे भी पता चल गया कि फ्रैंक एक रैंडम आदमी है। फ्रैंक की फ़ोटो जब स्क्रीन पर थी तो एक एम्प्लॉय इनका देख लेता है, पर ये एम्प्लॉय सिर्फ इंटरपोल के लिए नहीं तो एक गुंडे के लिए भी काम करता था। उस गैंगस्टर का नाम है शॉ। तो उस एम्प्लॉय ने शॉ को कॉल कर फ्रैंक की फ़ोटो भेज दी। शॉ को लगा कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है और अपने सारे आदमियों फ्रैंक के पीछे लगा देता है। एक्चुअल में अलेक्जेंडर ने शॉ से $2.3 million चुराए हुए थे, इसीलिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेशन पर आने के बाद फ्रैंक और एलिस ये अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, पर बाद में एलिस ने फ्रैंक को फिर से सिटी में नोटिस किया। वो अपने साथ अपनी बोट लेकर आई हुई थी, तो फ्रैंक से कहती है मेरे साथ चलो। फ्रैंक को भी लगता है कि उसे लिफ्ट की ज़रूरत है तो उसके साथ वो चला जाता है। ये दोनों फिर एक बहुत ही बड़े से होटल में आए। एलिस कहती है कि मैं और मेरा हस्बैंड यहीं पर रुकने वाले हैं, उसने एक स्पेशल स्वीट बुक किया था। फ्रैंक इस बात से सरप्राइज्ड हो गया। रूम जब ये आकर देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा रूम था। रूम में ऑलरेडी एलिस के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हुए थे। फ्रैंक का पीछा करते हुए शॉ इस सिटी में आ गया। वो अपने आदमियों से कहता है कि एलिस को तुम मार सकते हो पर फ्रैंक मुझे ज़िंदा चाहिए क्योंकि सारे पैसे उसके पास है। रात में एलिस रेडी हुई और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद ये दोनों डिनर के लिए आते हैं।
फ्रैंक एलिस से पूछता है कि वो है कौन जिसने तुम्हारे लिए इतने अच्छे गिफ्ट्स रखे थे। एलिस कहती कि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2 साल से उनका ब्रेकअप हो गया था पर उसने फिर से उसे मिलने के लिए बुलाया। इस तरीके से कोई उसे ऑर्डर दे ये बात एलिस को अच्छी नहीं लगती, पर उसने अपने बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था तो इसी वजह से वो पहुँच गए। अपने एक ब्रेसलेट से वो खेल रही थी तो फ्रैंक को कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे दिया हुआ था। उसने कहा था कि किसी भी आदमी की पॉजिटिव और निगेटिव साइड ये दोनों हमें इम्प्रेस करनी पड़ती है। फिर से अलेक्जेंडर से मिलकर अपनी रिलेशनशिप को क्या वो एक अलग चांस देना चाहती है, इस बात को लेकर अब तक वो श्योर नहीं थी। एक बात तो तय है कि अलेक्जेंडर सबसे बहुत ही अलग था। फ्रैंक कहता है कि बात अच्छी है, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर सब लोगों में घुल मिल कर रहना पड़ता है, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। ये दोनों जब अपने रूम में आए तो एलिस के लिए फूल भिजवाए गए थे। 2 दिन में एक डांस होने वाला है जहाँ पर अलेक्जेंडर ने एलिस को इनवाइट किया। ये दोनों मिलकर फिर ड्रिंक लेते हैं। फ्रैंक एलिस से कहता है तुम भी बहुत ही यूनिक हो, सबसे अलग। इसके बाद एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इन पर लोग नजर ही रख रहे थे तो इनकी फोटो उन्होंने ले ली। अब सबको कन्फर्म लगने लग गया कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। किस के बाद एलिस कहती है कि तुम काउच पर सो जाना और वो अपने रूम में चली गई। फ्रैंक उसके रूम में आने वाला था पर अपना माइंड उसने चेंज कर लिया। एलिस की डिसीजन की वो रिस्पेक्ट करता है। रात में उसे सपना आता है कि वो एलिस के साथ इंटीमेट हो रहा है। अगली सुबह डायरेक्टली उसे वेटर ने उठाया। वेटर कहता है कि एलिस चली जा चुकी है, उन्होंने आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया हुआ था। वो इस सारी सिचुएशन को ग्रास कर पाता तभी शॉ के आदमी होटल पर पहुंच गए। वो डायरेक्टली रूम में घुस आते। उन्होंने उसे कहा कि चलो हमारे एक फ्रेंड से मिलने के लिए हमें जाना है। फ्रैंक डर जाता है और वहाँ से भागने लग गया। ये डायरेक्टली गोली चलाने लग गए। फ्रैंक ने होटल मैनेजर को कॉल करने की कोशिश की पर उसे फ्रेंच आती नहीं थी। वो खिड़की से निकलकर भागने लगता है। फ्रैंक को भागते हुए एलिस देख लेती है। पुलिस ने भी नोटिस किया कि शॉ के आदमी फ्रैंक के पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस को बताया कि फ्रैंक एक नॉर्मल आदमी है तो जॉन को कॉल करते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जॉन को मार देंगे। जॉन बहुत ही फोकस था। पुलिस एलिस का पीछा कर रहे थे तो कहता है कि उसी का पीछा करना कंटिन्यू करो, फ्रैंक को बचाना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। फ्रैंक ने रूफटॉप से होकर भागने की बहुत कोशिश की पर एक डेड एंड पर वो आ गया जहाँ से उसे जंप करना यही एक सिर्फ ऑप्शन था। वो ऊपर चढ़ तो जाता है पर नीचे पुलिस ने उसे नोटिस कर लिया। उसे जंप मारने के लिए मना करते हैं। पुलिस ने बैकअप भी बुलवाया, तब तक जॉन जंप कर देता है। अपनी जंप की वजह से उसने पुलिस को भी पानी में डाल दिया। शॉ के आदमी जंप नहीं करते और इस वजह से जॉन बच गया था। वो आगे भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर ने फ्रैंक से बात की, उसे पूछते हैं क्या तुम्हें मर्डर रिपोर्ट करना है। फ्रैंक कहता है कि कुछ लोग मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे, मैं रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। ऑफिसर कहते हैं कि ये तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। फ्रैंक को लगता है कि उसे किसी अमेरिकन एम्बेसी के आदमी से बात करना चाहिए। वो इस पुलिस ऑफिसर को सारी सिचुएशन समझाता है। कहता है कि एक लड़की से मैं ट्रेन पर मिला था, उस लड़की का बॉयफ्रेंड किसी इल्लीगल काम में फंसा हुआ है, सबको लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और इसी वजह से सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस बात पर पुलिस ऑफिसर बिलीव नहीं करता और डायरेक्टली जेल में डाल देता है। फ्रैंक ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर ने कहा तुमने मुझे जो भी बात बताई एक बार मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। बेचारा फ्रैंक बाकी कैदियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डर गया था। रात में पुलिस ऑफिसर उसके पास आया, कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना है। उसे हथकड़ियाँ पहनाता है और अपनी बोट में एक सुनसान सी जगह पर लेकर जा रहा था। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शॉ को लगता है कि तुम्हें अलेक्जेंडर हो और तुम्हारे लिए वो बहुत सारे पैसे देने के लिए रेडी था। ये पैसे उसने ले लिए और फ्रैंक को उसके पास वो लेकर आया। जब वो बोट पार्क कर पैसे ले रहा था तभी स्लोली स्लोली वहाँ पर एलिस आ गए। वो फ्रैंक की बोट को अपनी बोट से बांध देती है, उसे अपने साथ खींच कर लेकर जा रही थी। शॉ के आदमी नोटिस करते हैं उसका वो पीछा करने लग गए। भागते भागते एक आदमी फ्रैंक के बोट पर चढ़ आया था। फ्रैंक उसे पीछा छुड़ाने का बहुत ही कोशिश करता है पर उसके पास नाइफ थी तो कुछ भी कर नहीं पाता। वो फ्रैंक को लेकर जाए इससे पहले एलिस अपने बोट को स्टॉप कर देती है और उसने पीछे लाकर बोट को जोर से टकराया। इस सब फाइट में फ्रैंक अपनी बोट से अलग हो गया था और एलिस उसे खींच कर लेकर जाती है। फ्रैंक को पकड़ने में फेल हो जाने के बाद शॉ के आदमी उसके पास आए। वो कहते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। शॉ कहता है कि मैंने पूरी लाइफ में बहुत मेहनत की है, अलेक्जेंडर मेरे $2.3 बिलियन लेकर गया। ये सब पैसे मैंने कमाए थे ताकि मुझे और काम ना करना पड़े, पर अब तुम्हारी वजह से सब कुछ अब मुझे खुद करना पड़ेगा। वो अपने आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो उसे वो मार डालता है। उसके बाकी आदमी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, अब वो किसी भी हालत में फ्रैंक को लेकर आएंगे। एलिस ने एक बीन ने फ्रैंक की हथकड़ियाँ निकाल ली। फ्रैंक एलिस से पूछता है क्या मैं इतना ज़्यादा अलेक्जेंडर जैसा दिखता हूँ।
एलिस कहती है कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फ्रैंक कहता है तुम्हें भी इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। एलिस ने कहा कि तुम ये सब बात समझ नहीं पाओगे, जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंक कहता है कि अलेक्जेंडर ने ऐसे आदमी से पंगा लिया वो सचमुच में स्पेशल होगा। उसने पूछा कि मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ, क्या कभी तुम मुझसे प्यार कर पाओगी? एलिस इस बात को टाल देती है। इसके बाद ये दोनों सिटी में आए और एलिस कहती कि मेरी बोट बांध दो। इस मौके का फायदा उठाकर एक बैग उसने फ्रैंक को दे दी और वहां से वो चली जाती है। इस बैग में बहुत सारे पैसे थे। एलिस ने कहा फिर से अमेरिका वापस चले जाओ। फ्रैंक उसे कहना चाहता था कि उसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद एलिस डायरेक्टली इंटरपोल के ऑफिस में आती है। उसने जॉन से बात की और कहा कि मैं अलेक्जेंडर तुम्हें दे सकती हूँ। जॉन ने कहा कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम हमारे लिए काम कर रही थी और अलेक्जेंडर के साथ 2 साल थी, तुमने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया। इसके बाद तुम एक टूरिस्ट से मिली और अलेक्जेंडर को धोखा देने के लिए रेडी हो गई, क्या तुम फ्रैंक से प्यार करती हो? एलिस इस बात का जवाब नहीं देती, पूछती है क्या तुम्हें डील मंजूर है? जॉन ने डील ले ली और एलिस कहती कि कल एक डांस है जहाँ पर अलेक्जेंडर ने मुझे बुलवाया हुआ था। एलिस ने दिए हुए पैसे लेकर फ्रैंक अपने लिए एक अच्छा सा सूट बाय करता है। उसे इस डांस के बारे में पता है तो यहीं पर वो आने वाला है। इंटरपोल के सारे एजेंट एलिस पर नजर रख रहे थे। एक आदमी ने उसे आकर बात की और कहा कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। उसे यहाँ देखकर सरप्राइज था, शायद ये अलेक्जेंडर का आदमी था। इसके बाद पार्टी में अचानक से एक आदमी आकर एलिस के हाथ में एक चिट्ठी देकर जाता है। एलिस ने उसे पहचान लिया कि वो अलेक्जेंडर है। उसे रोकने की कोशिश करती है पर अलेक्जेंडर दूर चला गया था। उसे पकड़ पाती उससे पहले फ्रैंक उसका रास्ता रोक लेता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकती। अचानक से म्यूजिक स्टार्ट हो गया था और फ्रैंक कहता है कि मेरे साथ डांस करो। एलिस ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फ्रैंक कहता है कि पूरे वर्ल्ड में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ। फ्रैंक ने कहा कि तुम्हारे फ्रेंड अलेक्जेंडर का प्लान अब तक काम नहीं कर रहा, इसके आगे भी क्या ये प्लान वर्क करेगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, उसे उसके साथ आने के लिए कह रहा था। एलिस कहती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम कोई भी स्पेशल नहीं हो, तुम्हारी और अलेक्जेंडर की हाइट मैच करती थी और इसी वजह से ट्रेन में मैं तुम्हारे पास आकर बैठी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती। पर ये बात झूठ थी, उसे सिर्फ बचाना चाहती थी। इसके बाद उसे छोड़कर जाने लग गए और फ्रैंक भी उसका पीछा करने लग गया। तभी इंटरपोल के आदमी फ्रैंक को लेकर जाते हैं। एलिस ने चिट्ठी दी कि तो अलेक्जेंडर ने उसे एक लोकेशन पर आने का पता दिया था। इसके बारे में अपने एयरबेस में वो जॉन को बता देती है और वहीं पर वो जा रही थी। बोट में आने के बाद जॉन फ्रैंक से मिला, उसका मजा लेने का डिसाइड करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अलेक्जेंडर हो, तुम्हारे पास हमारे $700 मिलियन है, ये सब तुम्हें वापस करने पड़ेंगे वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फ्रैंक ने कहा कि मैं सिर्फ एक मैथ टीचर हूँ। जॉन कहता है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता, अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। बेचारा फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी जॉन उसे सब कुछ सच बता देता। तभी जॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक्चुअल में कौन हो। जॉन की कलीग नोटिस करते हैं कि एलिस का पीछा शॉ भी कर रहा है। जब एलिस लोकेशन पर पहुंची तो शॉ और उसके आदमी भी वहीं पर पहुंच चुके थे। शॉ ने एलिस से कहा एक बार मेरी वाइफ ने मुझ पर चीट किया था, जिस आदमी के साथ वो थी उसकी पूरी फैमिली को मैंने मार डाला था, उसके बाद मेरी वाइफ को भी मैंने मार डाला। ये बात सिर्फ मेरी वाइफ की थी पर अलेक्जेंडर ने मेरे पैसे ले लिए, मैं उससे रिलेटेड किसी को भी छोड़ने नहीं वाला। वो एलिस से पूछता कि अलेक्जेंडर यहाँ पर आ रहा है। एलिस कहती कि मुझे पता नहीं है। शॉ पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ है, उसने तुम्हें यहाँ पैसे लेने के लिए भेजा होगा। एलिस कहती कि मुझे पता नहीं है। शॉ श्योर था कि यही आसपास कहीं पर एक सेफ है जहाँ पर पैसे होंगे। वो इसे ढूंढने लग गया पर कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। इंटरपोल के आदमियों ने इन्हें घेर लिया था, ये जब चाहे शॉ को मार सकते थे। शॉ एलिस से कहता है मुझे जल्द से बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एलिस उसे बता नहीं रही थी तो इंटरपोल के ऑफिसर कहते हैं जल्दी से हम शॉ को मार देते हैं वरना वो एलिस को मार डालेगा। पर जॉन ने कहा कि अलेक्जेंडर किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा, हमें उसके लिए वेट करना चाहिए। एलिस जिए या मरे इस बात से जॉन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ये सब बात फ्रैंक ने नोटिस की। शॉ अब एलिस को मारने वाला था तो एलिस उसे सेफ का है इसके बारे में बता देती है। शॉ ने ओपन किया पर यहाँ पर एक पासवर्ड था। एलिस को यह बताने के लिए मजबूर करता है पर एलिस ने कहा मेरे पास इस सेफ का पासवर्ड नहीं है। शॉ कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, इसे सही से ओपन करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर फ्रैंक पहुँच गया। फ्रैंक ने कहा कि मैं ही अलेक्जेंडर हूँ। शॉ अलेक्जेंडर को जानता था तो कहता है कि तुम तो वैसे नहीं लगते। फ्रैंक ने कहा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। शॉ को इसके बारे में खबर मिली थी पर फिर भी उस पर डाउट करता है, कहता है कि तुम्हारा आवाज़ अलग है,
अलेक्जेंडर ने कहा कि इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ा था। एलिस फ्रैंक को बचाने के लिए शॉ से कहती है कि अलेक्जेंडर नहीं है, अलेक्जेंडर ब्रिटिश था और ये एक अमेरिकन है। फ्रैंक ने कहा कि मैंने अमेरिकन एक्सेंट की बहुत प्रैक्टिस की, इसी वजह से मैं बोल पाता हूँ। सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद शॉ को लगने लगता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। उसने कहा कि सेफ ओपन करो। फ्रैंक ओपन करने के लिए क्या, वो अगर ओपन नहीं कर पाता तो शॉ इन दोनों को मार डालता। पर तभी इंटरपोल के बॉस आ जाते हैं। उन्होंने सब ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि शॉ को मार डालें। तुरंत सबको मार दिया जाता है। फ्रैंक और एलिस बच गई थी। बॉस एलिस के पास आते हैं, कहते हैं तुम्हें मैंने फायर कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है करने के लिए तुम फ्री हो, यानी कि फ्रैंक के साथ एक अलग जिंदगी जी सकती है। फ्रैंक ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एलिस कहती कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर एक ही साथ वो अलेक्जेंडर से भी प्यार करती है। अचानक से इंटरपोल को न्यूज़ मिली कि अलेक्जेंडर आसपास उन्हें दिख रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए वो चले गए। फ्रैंक एलिस से कहता है अगर तुम अलेक्जेंडर से भी प्यार करती हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने सेफ को अनलॉक कर लिया। इसका मतलब है फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। वो जो भी बात कर रहा था प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, अपनी वॉइस को चेंज करने के बारे में, ये सब कुछ सच था। वो एलिस से पूछता है क्या इस बार तुम मेरा साथ दोगी? एलिस उसे किस कर लेती है। इंटरपोल को जो आदमी अलेक्जेंडर लग रहा था, उस आदमी को जब वो अरेस्ट करते हैं तो आदमी कहता है मुझे हमेशा एक कॉल आता है, मुझे एक लोकेशन बताई जाती है जहाँ पर मुझे जाना होता है, अगर मैं काम करता हूँ तो बहुत सारे पैसे मुझे मिल जाते हैं। इसी वजह से अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी फ्रैंक हो वहाँ पर ये आदमी दिखा करता था। इंटरपोल को चकमा देकर एलिस और अलेक्जेंडर हमेशा के लिए भाग जाते हैं। जब इंटरपोल फिर से उन्हें पकड़ने के लिए प्रीवियस लोकेशन पर आए तो सेफ में उन्हें एक चेक मिलता है। ये चेक 700 मिलियन डॉलर्स का है। जॉन ने कहा कि जल्दी से जाकर हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। बॉस कहते हैं कि हमें सिर्फ ये 700 मिलियन डॉलर्स चाहिए थे। अब इस केस में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अलेक्जेंडर के पास अब भी 1.6 बिलियन डॉलर्स थे जो वो अपने और एलिस के लिए खर्च कर सकता था। एलिस और वो हमेशा के लिए फ्री हो गए थे। एलिस मजाक में कहती है तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा कर कोई भी फेस लगा सकते थे, पर तुमने ये क्यों चूज किया? अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या ये ठीक नहीं है? एलिस ने कहा कि काम चल जाएगा। ये दोनों हंसे और इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का ट्विस्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।